ऑफिस। उज्जैन जिले के नागदा के समीप ग्राम चिरोला से बड़ा गांव होती हुई नागदा मिलने वाली सड़क का इन दिनों बड़ा बुरा हाल है। वाहनों से दूर पैदल निकलना भी ग्रामीणों के लिए मुश्किल हो रहा है। यही हाल गांव संदला का है, जहां आजकल स्कूल जाने वाले बच्चों का कहना है कि हमें साइकिल तो मिली परंतु कोई काम की नहीं। हमारे गांव की सड़कों की हालत ऐसी है कि साइकिल तो छोड़ो, पैदल निकलना भी मुश्किल है। गांव के सरपंच का भी यही कहना है कि ठेकेदार ने भराव में मुरुम की जगह मिट्टी डाल दी, जिससे पूरा कीचड़ सड़कों पर जमा है, जिससे आम जन को परेशानी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी शिकायत हमने PWD को भी कर दी है, पर वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। कलो, तुमको भी साइकिल तो मिली होगी स्कूल की तरफ से? साइकिल तो मिली है, पर कीचड़ की वजह से हम साइकिल नहीं ले जा पा रहे हैं। मतलब कीचड़ की वजह से आपको इतनी परेशानी हो रही है, आप साइकिल नहीं ले जा पा रहे? हाँ, बरसात में बहुत दिक्कत आती है इस रोड। हाँ, गिरते हैं सर। कितने रोज? मतलब रोज ऐसे गिरते हैं? रोज गिरते हैं। इसकी शिकायत आपने की थी? किसको कर, कोई सुनता ही नहीं। नहीं, अगर ये ठेकेदार जो है, ठेकेदार को देखे ना, 10 साल हो गए। ठेकेदार को देखे हुए आपको 10 साल हो गए, पर काम चल रहा है सड़कों का, कौन करवा कौन रहा है क्या मालूम? मतलब आपको ये भी नहीं पता कि सड़कों का काम कौन करवा रहा है? सही है, सड़कों पे जो मोहरम गिरना चाहिए था, देखा ही नहीं। नहीं, सड़कों पे जो मोहरम गिरना चाहिए था, इसकी जगह काली मिट्टी डाल दी गई है। नरखा गारा ही डाला है, गारा डाला है ना, जिससे जिससे ये गाड़ियाँ स्लिप हो रही है। बहुत समस्या हो रही है सर, बीमारी को घर हो रहा है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, नागदा जाने में रोज परेशानी होती है, बहुत कीचड़ हो रहा है, गाड़ियाँ भी स्लिप होती है, बहुत गाड़ियाँ स्लिप होती है, दुर्घटना के कारण हो गया है। और यहाँ से जो छात्र छात्राओं जाते हैं उनको भी बहुत परेशानी हो रही है, पैदल चलने में समस्या आ रही है, तो साइकिल से कहाँ जाएंगे? और यहाँ से करीबन 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है उसको। इसकी शिकायत की थी आपने कभी? पहले कभी भी नहीं की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।